अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शलजम। यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और 3 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, अदरक लहसुन है, अच्छा व्यू। मैंने इसमें टमाटर प्याज अदरक लहसुन डाल दिया है। 1 टीस्पून में इसमें सुरख मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 डालूंगी मैं ¼ कप, और पानी डाल के मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं विसल दूंगी ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। ये 20 मिनट के लिए अब मैं इसको विसल दूंगी तेज आंच पे। ये देखें व्यूअर्स, गल चुका है। अब इसको मैं ऐसे मैश कर दूंगी अच्छी तरह ताकि इसमें जो पीसेस हैं वो बारीक हो जाए। एक चम्मच इसमें मैं चीनी डालूंगी, इससे इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। जो इसमें कड़वाहट आती है शलजम में वो खत्म हो जाती है और मज़े का बनता है। ये मैं भुना हुआ बना रही हूँ खुश्क शलजम, इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी, जितना ये भुना होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। और ये मिर्च इसमें डालूंगी 1 चम्मच और इसकी भुनाई करती रहूँगी मैं ऐसे ना, ये अच्छी तरह, ये देखिए मैं अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 10 मिनट तक इसको भूनना है मैंने। 10 मिनट के बाद फिर इसमें गरम मसाला और काली मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छी लगती है। फिर ये देखिए व्यूअर्स, इसका ऑयल अच्छी तरह निकल आया और इसकी 10 मिनट मैंने भुनाई की है, ये अच्छी तरह भून चुका है, ये तैयार हो गया। अब ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। ये देखिए अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, कितना मज़े का बना है। आप भी इसको ट्राई करके देखें, भुना भुना हुआ शलजम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपनी दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।